लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। अर्घ्येष्टा की आड़ में नाबालिग लड़कियों से कराते थे देह व्यापार। जब प्रशासन ने रेस्क्यू किया तो रेस्क्यू से पहले एक लड़की की हत्या हो गई और 9 लड़कियों को छुड़ाया गया। अर्घ्येष्टा की आड़ में विक्रमगंज के धनगाई में नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार कराने का मामला सामने आया। इन लड़कियों को एक कमरे में बंद करके रखा गया था। इनमें से एक नाबालिग लड़की भागकर एक संस्था की मदद से पटना पहुंच गई। पटना पहुंचते ही 14 वर्षीय किशोरी को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया गया। किशोरी के बयान पर बाल कल्याण समिति ने ACP पटना को पत्र लिखकर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश भी दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कमजोर वर्ग के ADG अनिल यादव ने तुरंत रेस्क्यू टीम गठित कर रोहतास भेजा। पुलिस जब तक घटनास्थल पर पहुंचती, किशोरी की छोटी बहन 12 साल की किशोरी की हत्या कर दी गई थी। वहां से पुलिस ने 9 लड़कियों को बरामद किया। इनमें 6 नाबालिग है। छुड़ाई गई लड़कियां मुजफ्फरपुर, रोहतास और रक्सौल की है। इन्हें आश्रय गृह में रखा गया है। छापेमारी करने पहुंची पुलिस को देखते ही सब भागने लगे। पुलिस ने महिला दलाल रेखा देवी के साथ शंकर नट, गोपाल नट, विकास और सोनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विक्रमगंज थाने में पैक्सो हत्या, मानव तस्करी के साथ अपहरण की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कमजोर वर्ग की ACP बीना कुमारी ने बताया कि 19 जुलाई को बाल कल्याण समिति से सूचना मिली थी कि रेखा देवी नाम की महिला अर्घ्येष्टा की आड़ में नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार कराती थी। सूचना के आधार पर 19 जुलाई को रात भर छापेमारी अभियान चलाया गया। रेस्क्यू टीम गठित कर लड़कियों को मुक्त भी कराया गया। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आरोपित महिला विक्रमगंज स्थित घर पर 10 से अधिक बाउंसर रखती है। पुलिस ने घटनास्थल से 1,71,000 रुपए बरामद किए हैं। यही नहीं, गर्भ निरोधक के साथ गर्भपात कराने वाली कई तरह की दवाएं भी बरामद हुई है। रेस्क्यू की गई किशोरी ने बताया कि रेखा देवी देह व्यापार से मना करने पर बुरी तरह मारपीट करती थी। सफेद पोश में भी जुड़े हैं तार। लड़कियों को बहला फुसला कर देह व्यापार में धकेलने का बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। छुड़ाई गई सरगना को लड़कियां बुआ के नाम से बुलाती थी। उसके संबंध कई सफेद पोश से भी है। कई सफेद पोश लोगों के पास भी लड़कियों की सप्लाई की जाती थी। यह गिरोह बिहार, नेपाल से लेकर मुंबई तक फैला है। रेखा देवी का गिरोह बिहार के मुजफ्फरपुर, रक्सौल से लेकर नेपाल और मुंबई तक फैला है। लड़कियों को अच्छी कंपनी में नौकरी और पढ़ाई का झांसा देकर अर्घ्येष्टा में शामिल करती थी। लड़कियों को पहले वो मुंबई स्थित अपने घर में रखती थी। वहां से लड़कियों को मुंबई के डांस बार में सप्लाई करती थी। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।